सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो हम फटाफट से रेडी हो जाते हैं क्योंकि आज हमको पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। क्योंकि कल कल जब हम आ रहे थे ना कॉलेज से, तो देख रहे थे हमारे स्कूल में किसी चीज़ का तैयारी चला था। अब हमको नहीं पता, अब आज जाएंगे कॉलेज तो ही पता चलेगा। तो चलो फटाफट से रेडी होके निकलते हैं कॉलेज। हम रेडी हो चुके हैं, अब चलते हैं कॉलेज। अभी हम लोग का क्लास ख़त्म हो चुका है। अभी हमको पता चला कि हमारे कॉलेज में होने जा रहा है यूथ फेस्टिवल। आप लोग को एक मस्त चीज़ बताते हैं हम। ये देखो यहाँ पे चारों तरफ बैरिकेटिंग दिख रहा होगा एकदम दूर दूर तक में। उधर का बस खुला है अभी, उधर का भी कुछ देर बाद बैरिकेट कर दिया जाएगा क्योंकि यहाँ पे आ रही है स्पोर्ट्स कार जैसे कि बेंटले, पोर्श, हमको तो पता भी नहीं, लैम्बोर्गिनी और भी बहुत सारी होंगी, बहुत सारी नहीं फिर भी आ रही हैं अच्छे खासी। और वो लोग यहाँ पे ड्रिफ्ट करेंगे, लेकिन एक प्रॉब्लम भी है, बता रहे हैं क्या, ये ओपन एरिया है। यहाँ पे दिक्कत ये होता ना कि जैसे देखो वहाँ पे ग्रुप जा रहा है लड़कों का, तो वही लोग काला दिखेगा और ये सारा चीज़ अच्छे से विजिबल होगा। पता नहीं कार अच्छे से विजिबल होगा कि नहीं, होपफुली कि अच्छे से हो विजिबल। अब आप लोग को हम तब दिखाएंगे ना जब से कार आना शुरू हो जाएगी यहाँ पे, तब आप लोग को दिखाएंगे, मस्त एकदम मज़ा आने वाला है। बस आप लोग पूरा लास्ट तक देखना। ओ भाई साहब आ गई कार, आ गई, पीछे रहो पीछे। हाँ ये देखो भाई साहब, ओ ये देखो ये BMW की है। अरे ओ ये देखो ओ ये, अरे लैम्बोर्गिनी की, ये इलेक्ट्रिक है। ये क्या है? गाइस अब आप देखने वाले हो कुछ ऐसा जो कि हम सोचे भी नहीं है। Yeah, man.
ये क्या ड्रिफ्ट मार रही है भाई, भाई साहब ओहो ये क्या ही ड्रिफ्ट था भाई, बस मेरा बैटरी ना खत्म हो जाए भाई साहब। पहली बार भाई टच बस कर रहा है, पता नहीं कब लेने का मौका मिलेगा हमको नहीं पता, लेकिन टच कर रहा है बस। ओ भाई साहब मेरा बैटरी काफ़ी ज़्यादा कम है, और पीछे देख ही रहोगे आप लोग कितना ज़्यादा भीड़ है अभी भी देखने के लिए। अब हम जा रहे हैं होस्टल, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं, अब सब कुछ खत्म हो चुका है। अभी फटाफट जाके मोबाइल चार्ज करते हैं, फिर आप लोग से रिलैक्स होकर बात करते हैं हम। अभी आप मेरा आवाज़ देख रहे होगे काफ़ी ज़्यादा भारी हो चुका है, क्योंकि इतना ज़्यादा हम चिल्लाए ना वहाँ पे, रुक ही नहीं पा रहे थे। इतना एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स गाड़ी देख के और इतना अच्छा ड्रिफ्ट देख के भाई चिल्लाते चिल्लाते मेरा गला ही बैठ गया है। तो खैर अभी काफ़ी ज़्यादा थक भी चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा रात भी हो चुका है, तो अभी इस ब्लॉग को एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।